लोकसभा चुनाव से पहले आज असम को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। गुवाहाटी में 11,599 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मां कामाख्या दिव्य परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे पीएम। दर्शन में भक्तों को सुविधा होगी। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पीएम की पहल। हवाई अड्डे से 6 लेन की सड़क का निर्माण। स्टेडियम का डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स कैंपस की आधारशिला रखेंगे पीएम। मेडिकल कॉलेज की इमारत और यूनिटी मॉल की भी नींव रखेंगे। पीएम मोदी के गुवाहाटी पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर लोगों ने अभिवादन किया। गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज के कैंपस में पीएम मोदी के स्वागत में 1,00,000 दिए जलाए गए। लोगों ने दिए से वेलकम मोदी लिखा। ओडिशा को पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात। 68,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का कसा शिकंजा। 5 समन के बावजूद पेश नहीं होने पर जांच एजेंसी पहुंची कोर्ट। केजरीवाल के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 फरवरी को सुनवाई होगी। जांच एजेंसी ने पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद समन का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के पहुंचने पर सीएम हाउस के बाहर हुआ हंगामा। केजरीवाल की खरीद फरोख्त के आरोप के मामले में नोटिस देने गई थी टीम। ईडी के केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंचने पर बोली बीजेपी जांच से भाग रहे हैं केजरीवाल, उन्हें जवाब देना ही होगा। आम आदमी पार्टी ने पूरे शराब घोटाले को बताया राजनीति से प्रेरित, कहा कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पहुंचे दिल्ली। राज्य के कैबिनेट विस्तार और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, बोले अभी एक प्रकार से विभाग बांटे जा चुके हैं, मुख्यमंत्री को तय करना है। बिहार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त समेत 9 विभाग, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी कृषि पथ निर्माण समेत 9 विभाग मिले हैं। बिहार की राजनीति पर ललन सिंह का बयान, बोले बिहार की राजनीति अब बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा, आज झारखंड के धनबाद में होगी, जनसभा को संबोधित करेंगे। न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बताया शर्मनाक। अमित मालवीय बोले ऐसी पार्टी की दुर्गति तय है। देवघर में राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगे। पूजा करने पहुंचे थे राहुल, मंदिर के बाहर निकलते वक्त लोगों ने विरोध किया। राहुल गांधी ने फिर छेड़ा ओबीसी का राग, बोले बीजेपी सरकार आने पर के अपने दिन गिने, हम करवाएंगे जातीय जनगणना। नीतीश कुमार के निकलने के बाद इंडिया गठबंधन नहीं बचा है, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। ममता बनर्जी के 40 सीट वाले बयान पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार, पूछा क्यों बीजेपी और दीदी एक ही भाषा बोल रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन, 17 और 18 फरवरी को लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। कन्नौज से सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक, समाज को बांट रही है सपा, जनता चुनाव में जवाब देगी। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई होगी, गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। हेमंत सोरेन के करीबी भानु प्रताप को ईडी ने गिरफ्तार किया, रिमांड पर 5 फरवरी को सुनवाई होगी। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, रांची की पीएमएलए कोर्ट ने इजाजत दी। धामी कैबिनेट ने यूसीसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, सीएम बोले इस विधानसभा सत्र में लाएंगे यूसीसी। लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान, पीएम मोदी बोले देश के विकास में आडवाणी जी का अहम योगदान है। विनम्रता से स्वीकार करता हूं भारत रत्न सम्मान, ये सिर्फ मेरा नहीं मेरे सिद्धांतों का भी सम्मान है, लालकृष्ण आडवाणी का बयान। लालकृष्ण आडवाणी से मिले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, कहा मुझे खुशी है भारत रत्नों के साथ काम करने का मौका मिला। सीएम योगी नितिन गडकरी ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई, राजनाथ सिंह बोले वो राजनीति में दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रतीक हैं। आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अपने वोटों को बांधने के लिए आडवाणी को भारत रत्न दे रहे हैं अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना। आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी का थी हमला, का हिंसा में मरने वालों की कब्रें हैं इन लोगों के लिए सीढ़ियां। गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली के द्वारका में नॉर्थ ईस्टर्न कल्चरल एंड सोशल इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे। जेएनयू में भी बराक हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। आईआईटी बॉम्बे में एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2024 की शुरुआत। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा कीनोट स्पीकर के तौर पर शामिल हुए। रजत शर्मा ने इंडिया टीवी के सुपर हिट शो आपकी अदालत का किस्सा सुनाया। समिट में शामिल एंटरप्रेन्योर्स को दिए सफलता के मंत्र, कहा कोशिश और मेहनत से ही जीत मिलती है। बाबा बागेश्वर की किताब सनातन धर्म क्या है का विमोचन, कहा कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना गलत, अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो मतलब आपको खुद पर भी भरोसा नहीं। कर्नाटक में राम भरोसे कांग्रेस, 100 राम मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने का फैसला। यूपी के मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक कुख्यात बदमाश विनय वर्मा ढेर, एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ। नोएडा में गाड़ियों की चोरी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश जख्मी हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में एक घर से मिले 3 शव, दम घुटने से मौत होने की आशंका। लखनऊ के राजा बाजार इलाके में एक घर में लगी आग, हादसे में एक शख्स जख्मी है, अस्पताल में चल रहा इलाज। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के आसपास हुई बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है।
दिल्ली में देर रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। गोरखपुर में दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने हिंदू भजन गाने वाले एक मुस्लिम युवक से मुलाकात की। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत की पकड़ हुई मजबूत, दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 28 रन बनाए, 171 रनों की हुई लीड। भारत की पहली पारी में 396 रनों के जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 253 रन बनाए, भारत को 143 रनों की मिली बढ़त।